अब हम बात करते हैं कि आइडियल और एक्चुअल साइकिल के जो पीएच जो डायग्राम है इसको दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि आइडियल साइकिल और एक्चुअल साइकिल में जो पीएच डायग्राम है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि हमने आइडियल साइकिल की जो पीएच डायग्राम देखी थी हमने, उसमें क्या था हमारे पास, ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है ये हमारे पास आइडियल साइकिल की है, और ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन जो है ये जा रही है ये हमारे पास एक्चुअल साइकिल की है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं अभी कि आइडियल साइकिल में हमारे पास ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन 4 से लेकर 1 तक जो जा रही थी, वो क्या थी हमारे पास, वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, ऐसे हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी। मतलब उसमें क्या था, प्रेशर सेम था, एवापोरेटर 4 से लेकर 1 के दरमियान क्या था हमारे पास, प्रेशर सेम था। 1 से लेकर 2 के दरमियान जो कंप्रेशन हो रहा था वो हमारे पास क्या था, आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन था। आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब जिसमें एंट्रोपी सेम थी हमारे पास, वो एंट्रोपी सेम में हमारे पास कंप्रेशन हो रहा था। आइडियल साइकिल की बात कर रहा हूँ जो ब्लू डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, और 2 से लेकर 3 के दरमियान जो हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसर हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है बाहर, रेफ्रिजरेंट से निकल लिए, तो वो क्या था हमारे पास, वो बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। जो प्रेशर वाली लाइन है वो इसी तरह हॉरिजॉन्टल थी, उसमें कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं आ रहा है। और जो 3 से लेकर 4 के दरमियान है वो क्या था हमारे पास, एक्सपेंशन डिवाइस लगी थी, और एक्सपेंशन डिवाइस में हमारे पास 3 से लेकर 4 में सीधा स्ट्रेट लाइन से आ रही थी वर्टिकल, बिल्कुल सीधी वर्टिकल। अब एक्चुअल साइकिल को देखते हैं, एक्चुअल साइकिल में क्या क्या हुआ है। एक्चुअल साइकिल में ये जो 4 से लेकर 1 वाली जो लाइन है, ये जो 4 से लेकर 1 वाली लाइन है, ये थोड़ी इंक्लाइंड हो गई है। मतलब वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब क्या हुई, अब ऐसे इंक्लाइंड हो गई है 4 से लेकर 1 में। और 2 से लेकर 3 में भी क्या हुआ है, 2 से लेकर 3 वाली लाइन, 2 से लेकर 3 जो हीट एक्सचेंज हो रही है बाहर को, वो भी क्या हुई है, वो भी ऐसे इंक्लाइंड हो गई है ऐसे। वो ये ऐसे इंक्लाइंड क्यों हुई है, और 4 से लेकर 1 वाली जो है ये ऐसे इंक्लाइंड क्यों है, ये इसको डिस्कस करते हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है। जब रेफ्रिजरेंट 4 से लेकर 1 में जा रहा है, मतलब ऐसे ही मूव करेगा, 4 से लेकर 1 में जाएगा, तो उसका एरो ये वाला आएगा 4 से लेकर 1 के दरमियान, रेफ्रिजरेंट ऐसे जा रहा है। तो होता क्या है, एक्चुअल साइकिल में हमारे पास एवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा होता है ना, तो वो अपना प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाता, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर से नहीं जा पाता है आगे, वो अपना कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है। तो उससे होता, वो क्यों नहीं कर पा रहा होता है, वो इसलिए नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट, क्योंकि वो भी एक फ्लूइड है, जब वो फ्लूइड मूव कर रहा होता है किसी भी पाइप में से, क्योंकि एवापोरेटर क्या है, एक पाइप के जरिए ही इसके अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो जब पाइप के अंदर से जा रहा होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेज आते हैं, तो लॉसेज की वजह से क्या होता है, वो अपना प्रेशर गिरा देते हैं, रगड़ हो रही होती है पाइप से, जब वो फ्लूइड जा रहा होता है उससे रगड़ से उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है। तो प्रेशर ड्रॉप होने से क्या हुआ, हमने लाइन ऐसे, मतलब कि ये वाली हायर लाइन थी, ये वाली अगर आप देखें तो ये वाली हायर थी, मिसाल ले लें यहाँ पर 5 है नंबर, और ये जो 1 वाली लाइन है इसको अगर आप शो कर दें तो यहाँ पर इसकी लाइन है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 5 प्रेशर है और यहाँ पर 4 है, मतलब ये 4 बार है, यहाँ पर 5 बार है, तो प्रेशर क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया क्योंकि वो उस साइड जा रहा था। और 1 से लेकर 2 के दरमियान जब जा रहा था रेफ्रिजरेंट, तो आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉन आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था। और 2 से लेकर 3 में, क्योंकि अब 2 जो है वो हायर पॉइंट हो गया, कंप्रेस कर दिया गैस को 1 से जब कंप्रेस करा 2 तक, अभी मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 1 पे जो है वो 4 बार है, वो 4 से लेकर कहाँ तक ले गया, वो मिसाल ले लीजिए यहाँ तक, इसका जो प्रेशर है यहाँ पर, ये प्रेशर हमारे पास है 10 बार, 4 बार से वो ले गया 10 बार तक, अब कोई उसको कोई प्रेशर बढ़ा नहीं रहा है यहाँ से, तो 2 से लेकर जब वो 3, मतलब कि 2 से लेकर 3 कंडेंसर में जब वो आ रहा होता है तो वो अपना प्रेशर और डिक्रीज करता हुआ आ रहा होता है, मतलब कि दोबारा रगड़ खा रहा है वो जो पाइप है इसके अंदर, कंडेंसर के अंदर दोबारा फ्रिक्शन लॉसेज आ रहे हैं। फ्रिक्शन लॉसेज की वजह से क्या होता है कि ये जो 2 से लेकर 3 पॉइंट में आते आते उसका प्रेशर और डाउन होता जाता है, तो वो दोबारा प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ 10 बार था तो मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 बार, ये तो 3 पॉइंट है अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 9 बार हो जाएगा, तो प्रेशर अपना इसने कम कर दिया। इस प्रेशर के कम होने से हुआ क्या, मतलब कि एक्चुअल साइकिल हम जो पढ़ लें अभी, ये जो ब्लैक कलर की लाइन जो हम शो कर रहे हैं, ये एक्चुअल साइकिल जो पढ़ लें, इस एक्चुअल साइकिल में ये जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इससे होता क्या है, ये हम जानना ज़रूरी है कि यार ये जो प्रेशर डिक्रीज का काम है ना, इसने क्या करा है, तो इसको ये देखते हैं। आइडियल साइकिल में प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है,
मगर एक्चुअल साइकिल में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है। इससे दो काम हो रहे होते हैं। पहला काम क्या हो रहा होता है कि जब एवेपोरेटर से निकल रहा होता है रेफ्रिजरेंट, तो वो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से थोड़ा सा सुपर हीट हो जाता है, इतना सा सुपर हीट हो रहा है। अगर आइडियल साइकिल की बात की जाए तो यहीं तक हो रहा था ये, मगर एक्चुअल साइकिल में ये यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाता है, सुपर हीट हो जाता है रेफ्रिजरेंट और यहाँ पर सब कूलिंग हो जाती है, इतनी सी सब कूलिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर हीट है और यहाँ पर सब कूलिंग है। और दूसरा काम ये होता है कि इसका कंप्रेसर वर्क जो है, मतलब 1 से लेकर 2 के दरमियान क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कंप्रेसर वर्क बढ़ जाता है आइडियल साइकिल के मुकाबले में। मान लीजिए आइडियल साइकिल को कितना वर्क कर रहा था, इतना वर्क करना पड़ रहा था, इतना सा, और एक्चुअल साइकिल को इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना सा इतना डिफरेंस आ गया इसके अंदर। तो उससे होता क्या है, कंप्रेसर को ज़्यादा इनपुट चाहिए होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो वर्क ज़्यादा करेगा, तो मतलब हमारी जो खर्च, हमारा जो खर्चा है वो और बढ़ता जाएगा। तो उससे होगा क्या, वो जो COP है, जिसको हमने लेसन 2 में पढ़ा था, COP का फॉर्मूला, कि हमारे पास क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, वो जो इनपुट बढ़ने से क्या होगा, उसकी COP और डिक्रीज जाएगी। तो COP डिक्रीज होगी, इसका मतलब है हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। आइडियल साइकिल में कंप्रेसर वर्क छोटा होता है और हमारे पास एक्चुअल साइकिल में क्या होता है, जो कंप्रेसर का जो इनपुट है वो ज़्यादा होता है आइडियल साइकिल से, तो इससे क्या होता है, COP और कम हो जाती है आइडियल साइकिल से। ये जो लाइन शो की है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शो कर रहा है प्रेशर ड्रॉप और ये भी शो कर रहा है प्रेशर ड्रॉप। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसकी कोई ना कोई COP है, मगर इसकी COP अगर और बढ़ाना हो तो अगर हम लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर का अगर यूज़ करेंगे इसमें, तो उससे COP और कितनी बढ़ जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो आप वहाँ पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट तक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।